नमस्कार, आप देख रहे हैं द पंचायत और मैं विभू कुमार झा। भारत का इतिहास सही मायने में देखा जाए तो बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना का असली नाम पाटलिपुत्र था और इस पटना का भारतीय इतिहास में बहुत ही अभूतपूर्व योगदान रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं सम्राट अशोक का। आप सभी बिहारवासी इस इतिहास से रूबरू होंगे कि पटना के कुम्हरार में अशोक का राजमहल था और यही सत्ता का केंद्र था। यहाँ की खुदाई में देश समाहित थे। पाटलिपुत्र से चलने वाले साम्राज्य में अशोक का साम्राज्य सबसे बड़ा था। उत्तर पश्चिम में तो अशोक ने जिस प्रशासनिक सीमा का निर्धारण किया उसे मुगल और अंग्रेज भी पार नहीं कर पाए थे। सम्राट अशोक अपने युगांतकारी सोच के कारण समय से ही काफी आगे थे। आप यूं कह सकते हैं कि अशोक सम्राट बड़े प्रतापी राजा थे जो देश उनका हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अशोक स्तंभ के बारे में, तो इसका सीधा मतलब यह है कि हमारी राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक के बारे में। ऐसे महान सम्राट की तुलना औरंगजेब से करना ऐसा लगता है कि सूरज को दिया दिखाना जैसा है। यह तुलना करने वाले पद्मश्री से सम्मानित और हाल ही में नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पूर्व आईएएस ऑफिसर डीपी सिन्हा ने की थी। लेकिन अब बात करें तो उन्होंने बाद में जाकर से खंडन कर दिया और सम्राट अशोक को महान बताया। साफ शब्दों में मैं कहूं आपको कि अब सिन्हा का देश भर में विरोध हो रहा है, बिहार की सियासत से लेकर देश की सियासत तक। ऐसे सम्राट अशोक की गरिमा के विरुद्ध टिप्पणी करने वालों को देश जानना समझना चाहता है। सम्राट अशोक ने देश की अखंडता और विश्व शांति के कई अवधारणाएं देने का काम किए थे। आज मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक के कई ऐसी प्रमुख बातें हैं जो हम सभी को ध्यान आकृष्ट करवाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सम्राट अशोक ने दुनिया को समान कानून और सेक्युलरिज्म की सीख दी थी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात की थी, राजा को प्रजा के पिता के समान समझना चाहिए। उन्होंने लोगों को एक तरह से जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया था। दूसरी प्रमुख बातें मैं कहूं तो विश्व शांति और ग्लोबल विलेज का उन्होंने दर्शन कराया था। अशोक सम्राट विश्व शांति और ग्लोबल विलेज के प्रवर्तक थे। पर्याप्त साधन और विशाल सेना होने के बावजूद युद्ध के बजाय शांति का जयघोष उन्होंने किया था। सेक्युलरिज्म की बात करूं तो अशोक ने दुनिया को 2253 साल पहले सेक्युलरिज्म का विचार दिया था। बौद्ध धर्म का दीक्षा लेने और उसका प्रचार प्रसार करने के बावजूद कभी भी प्रजा पर उन्होंने थोपा नहीं। अब सामाजिक समानता और कानून की समता की बात करें तो सम्राट अशोक ने कानून की दृष्टि में सबको समान घोषित किया। सामाजिक समता और दंड की समता की नीति उन्होंने लागू की थी। उन्होंने दंड देने के लिए रज्जु के नामक अधिकारी तैनात किए थे। सम्राट अशोक की सबसे बड़ी बात यह थी कि देश के लिए एकता और अखंडता की दरकार किए थे। अशोक ने ही अपने उदार विचारों के जरिए देश में राजनीतिक एकता कायम की थी। एक धर्म, एक भाषा और बहुत हद तक एक लिपि के सूत्र में देश को बांधा था। ऐसे सम्राट अशोक के बारे में कोई औरंगजेब से तुलना कर दे तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारा आने वाला जनरेशन सम्राट अशोक जैसे प्रतापी राजा को जानना चाहता है और इनका अनुकरण करके देश को एक नई विचारधारा में तब्दील करना चाहता है। मुझे लगता है कि इस पर बिहार समेत पूरे देश की राजनीति की बात न करके, टिका टिप्पणी की बात न करके एक नई दिशा में देखा जाए। यदि कोई आईएएस अधिकारी इस पर बिना सोचे समझे बयानबाजी करते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश का भविष्य और देश का युवा किस तरह से अपने आप को कदम बढ़ाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको साझा किया कि सम्राट अशोक की क्या उपलब्धि थी हमारे इतिहास में और हमारे देश के युवा, और बिहार की बात करूं, बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र की बात करूं तो पाटलिपुत्र की यही धरती है जो पूरे देश के इतिहास में एक अपना ही अलग स्थान प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं जो भी बड़े शख्सियत की बात है वो उस पर टिका टिप्पणी से पहले जरूर एक बार सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द पंचायत।